जो श्रीखंड के माउंटेन टॉप पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है 2-3 दिन पहले, और उसकी वजह से हमारा जो रामपुर का और साथ लगता जिला कुल्लू का इलाका है, यहाँ पे भारी तबाही हुई है। पिछले कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने पूरा यहाँ पे जो है स्टॉक टेकिंग किया है, अधिकारियों को ब्रीफ किया है, और हमने जगह जगह पे जहाँ तक लोक निर्माण विभाग है, हमने बेली ब्रिजेस जगह जगह पे लगाने शुरू कर दिए हैं, जगह जगह पे पुलिस लगानी शुरू कर दी है, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिसमें हमारा NDRF है, SDRF है, हमारी स्टेट पुलिस है, हमारे जो है होमगार्ड के जवान है, सब मिलकर इसमें रिलीफ वर्क कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है, जो इसमें अज्यूम्ड डेड बॉडीज़ है उनको रिट्रीव करना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ से सतलुज नीचे आपके कोल डैम तक जाती है। तो जगह जगह पे हमारा जो वहाँ का कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी और सर्च ऑपरेशंस भी जो है वो चला रहे हैं, ताकि बॉडीज़ को रिट्रीव किया जा सके। और इसके अलावा जो हमारे अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पर जल्द से जल्द कनेक्टिविटी फिर से बनाई जा सके, उसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी इस विषय में बात करी है, और हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार से भी इसमें सहयोग मिलना चाहिए, और उसके लिए भी हम पूरी मांग जो है वो केंद्र सरकार से भी रख रहे हैं, और फौरी राहत यहाँ पे सभी परिवारों को, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है, मुख्यमंत्री जी ने 50,000 रुपये सब परिवार जो इसमें अफेक्ट हुए हैं उनको देने की जो है वो घोषणा करी है, और आगामी समय में उनको रिपेयर के लिए भी सहयोग दिया जाएगा, इसके लिए भी सरकार वचनबद्ध है। अभी तक कन्फर्म्ड फिगर्स नहीं है क्योंकि बॉडीज रिट्रीव नहीं हो पाई है, मगर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीबन 50 लोगों की मृत्यु, दुखद मृत्यु इस पूरे इलाके में, केवल इसी साइट पर नहीं मगर जो और साइट्स भी है वहाँ पर हुई है। मगर जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉडीज रिट्रीव होगी, उसके बाद ही अधिकारी इसकी पुष्टि, ऑफिशियल पुष्टि जो है वो कर पाएंगे। मगर दुख है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसके ऊपर मजबूत कदम हमें आने वाले समय में उठाने की आवश्यकता है, कुछ पॉलिसी डिसीजंस में भी तब्दीली आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। ये वो समय नहीं है, अभी तो मेन एम्पिटस हमारा जो है वो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का है, मगर इन द टाइम्स टू कम हम कैसे जो हमारे नाले हैं, नदियां हैं, इसमें जिस तरीके से घर जो है वो बिल्कुल नदियों के ऊपर, नालों के ऊपर बने हुए हैं, उसमें 3-3, 4-4, 5-5 मीटर का, 5-10 मीटर्स का जो है गैप छोड़ना बहुत आवश्यक है। इसको हमने पिछले साल भी इम्प्लीमेंट जो है वो TCP के माध्यम से किया है, मगर अभी भी वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई आने वाले समय में करेंगे, स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई जो है इंसिडेंट होता है तो उसमें जान का और माल का नुकसान कम से कम हो सके। देखिए, आप देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन तो कंटिन्यू है और कॉम्प्लेक्स सर्च ऑपरेशन है, डिफरेंट है अपने तरह से। पानी का फ्लो आप देख रहे हैं, सुबह कम था, बढ़ गया है, तो इसमें सारी फोर्सेस लगी हैं, जैसा कि आप लोग कॉन्टीन्यूटी से देख ही रहे हैं, NDRF, SDRF, CISF, ITBP, होमगार्ड, पुलिस जवान, सारे लोग जो हैं इसमें सर्च ऑपरेशन में चल रहे हैं। इसमें स्थानीय पंचायत और अब तो लंबा स्ट्रेच है 80-85 किलोमीटर का, वहाँ पर जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है आप देख सकते हैं ड्रोन से भी सर्चिंग कर रहे हैं, बायनोक्युलर्स का यूज़ किया जा रहा है, अभी आर्मी से रिक्वेस्ट करके एक जो रेडार है उसको भी मंगवाया गया है, स्निफर डॉग्स का भी प्रयोग आज किया जाएगा, तो और बाकी जगहों में कुछ हैवी मशीनरी को इम्प्लांट किया जाएगा, ताकि जितने कम समय में हम अपनी और लोगों की सेटिस्फेक्शन और जो सर्च ऑपरेशन की टीम्स हैं वो अपने सेटिस्फेक्टरी अप्रोच को फाइनलाइज कर सकें। देखिए, कैजुअल्टी को हम अभी इसमें अपनी तरफ से फाइनलाइज नहीं कर सकते, पुष्टि नहीं कर सकते, बिकॉज जो अभी बॉडीज एक दो मिली हैं उनकी कंडीशन वो प्रॉपर नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो इसी इंसिडेंट से रिलेटेड हैं, तो जब तक DNA वगैरह की पुष्टि नहीं हो पाती तब तक इसको कन्फर्म करना भी मुश्किल है।